नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने रविवार को कोरोना वायरस की दो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपात इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। भारत में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर COVID-19 वैक्सीन को लेकर सलाह दी है। ओवैसी ने कहा है कि फार्मा कंपनियों को दरकिनार कर जेनरिक निर्माताओं को अनिवार्य लाइसेंस जारी करने चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, दुनिया की 14% आबादी वाले अमीर देशों ने वैश्विक स्तर पर 53% वैक्सीन खरीद ली है। इसका मतलब है कि मौजूदा आपूर्ति भारत की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए धारा 92 का उपयोग कर जेनरिक निर्माताओं को अनिवार्य लाइसेंस जारी किया जाना चाहिए। ये धारा 92 राष्ट्रीय आपदा और महामारी के लिए स्पष्ट रूप से है। वहीं एक अन्य ट्वीट में PMO इंडिया को टैग करते हुए AIMI चीफ ने लिखा, अगर भारत को सभी के लिए वैक्सीन सुनिश्चित करने हैं तो हमें और भी अधिक वैक्सीन और सस्ती कीमत पर खरीद करने होंगे। फार्मा कॉस्ट से सहमत होने की संभावना नहीं है। पेटेंट अधिनियम का S92 केंद्रीय सरकार को जेनेरिक निर्माताओं को उन्हें बाईपास करने और अनिवार्य लाइसेंस जारी करने की शक्ति देता है। इसका इस्तेमाल करना चाहिए और अभी करना चाहिए। गौरतलब है कि ओवैसी का बयान ऐसे समय आया है जब वैक्सीन के पेटेंट को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्ट्राजेनेका जैसे ड्रग निर्माताओं ने महामारी के दौरान अपने टीके से लाभ न लेने का वादा किया है, जबकि मॉडर्ना ने कहा है कि वो महामारी के दौरान अपने पेटेंट को लागू नहीं करेगा। मालूम हो कि भारत कोरोना वैक्सीन का सबसे बड़ा खरीदार है। बता दें कि रविवार को DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की फाइनल मंजूरी दे दी है। अब ये वैक्सीन देश में आम लोगों को लगाए जा सकेंगे। माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर में देश में टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।